हेलो रिवर, सभी का स्वागत है मेरे एक नए YouTube वीडियो में। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इसरार, और आप देखना शुरू कर चुके हैं इसरार ए टू जेड। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, मैं आपको इस चैनल पर नौकरी के बारे में बताता हूं। तो हाल फिलहाल आज मैं आपको एक नए वैकेंसी के बारे में बताऊंगा, एक नए नौकरी के बारे में बताऊंगा, जो कि हरियाणा साइड का होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा साइड का होने वाला, जो हमारे भाई जॉब करना चाहते हैं, नोएडा के अंदर है, दिल्ली NCR में है, फरीदाबाद में है, गुड़गांव में है, उनको जॉब नहीं मिल पा रहा है, तो 101% गारंटी है, लिख के ले लो कि इस वीडियो के माध्यम से उनको जॉब जरूर मिलेगी। सैलरी बहुत ही अच्छी है, सैलरी तकरीबन 19,000 रुपये सैलरी है, लेकिन 12 घंटे ड्यूटी रहेगी। ठीक है, AC प्लांट है, मैन्युफैक्चर एक कंपनी है, जो कि पूरा डिटेल आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, पूरा A to Z। चैनल मेरा A to Z, डिटेल आपको A to Z में सब दूंगा। वीडियो में आप सभी लोग बने रहना, वीडियो में आप लोग सभी लोग अगर बने रहेंगे, स्किप नहीं करेंगे, तो पूरा हर चीज़ आपको अच्छे से समझ में आएगी और आपको पता चलेगा कि जॉब कहाँ पे है, किस जगह पे है, हमें जॉब कैसे मिलेगा। तो दोस्तों, बिना करे बकवास वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो फर्स्ट एंड फॉल हम बात करेंगे जिस कंपनी के बारे में, तो ये कंपनी फिलहाल होने वाली एक मैन्युफैक्चर कंपनी है, जो कि ये हम बात करें तो एक तरीके से ये एक मैन्युफैक्चर कंपनी है, DVG टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम है, सेक्टर 8 प्लॉट नंबर 2 IMT बवाल में है ये। ठीक है, बवाल हरियाणा में है, जो कि काफ़ी अच्छा है ना। जो भी हमारे भाई बवाल साइड है, वो काम करना चाहते लेकिन उनको जॉब नहीं मिल पा रहा, तो ऐसे में वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पे मैं पर डे एक नए नए वैकेंसी के बारे में, एक नए नए नौकरी के बारे में बताता रहता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि नोएडा में नौकरी मिलता कैसे। मेरे पास बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं नोएडा दिल्ली NCR के अंदर, जो मुझे पर डे बताते रहते हैं, कॉन्ट्रैक्टर HR सुपरवाइजर, इस रात भाई यहाँ पे इतने लड़के चाहिए, इस रात भाई यहाँ पे इतने लड़कों की, इस रात भाई मुझे ये लड़के चाहिए, मुझे इस प्रोफाइल के लड़के चाहिए, तो मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूँ, है ना। तो यहाँ पे कुछ नोट है, जो कि ये सेक्टर 8 प्लॉट नंबर 2 IMT बवाल हरियाणा का होने वाला है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कंपलसरी है, लेके जाना है, सिर्फ देखेंगे और रिटर्न कर देंगे। उसके बाद वर्क कंपनी में मोबाइल फ़ोन की मैन्युफैक्चर कंपनी होती है, 12 घंटे स्टैंडिंग वर्क है, देखो झूठ कुछ नहीं बोलना है, स्टैंडिंग वर्क है, लेकिन AC प्लांट, पसीना आने के चांस ही नहीं है, पूरा फुल AC है, और ठंड में गर्मी में ठंड रहेगी और ठंड में गर्म AC रहेगी। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा होने वाला है। अब हम बात करते हैं, रूम आपको खुद रहना, रूम खुद लेना पड़ेगा, जिसका रेंट 1200 रुपये होगा, मतलब 1200-1500 रुपये वहाँ पर रूम आपको मिल जाएगा पर पर्सन। ठीक है, और उसके बाद कंपनी की साइड से कोई भी रूम नहीं मिलेगा, मतलब कंपनी आपको रूम नहीं देगी, ये डिटेल में मुझे मेरे पास आ चुके हैं, कंपनी आपको रूम नहीं देगी, रूम आपको खुद लेना पड़ेगा। एक टाइम का खाना फ्री है आपका कंपनी की साइड से, कंपनी आपको एक टाइम का खाना देगी, दूसरा टाइम आपको खुद करना होगा। ये तो हर जगह होता है मैन्युफैक्चर कंपनी में, क्या होता है प्लस पॉइंट यही होता है कि ओवर टाइम का प्लस कैंटीन का 10-15 रुपये करता है, और वो आपको भरपेट 10-15 मिनट में आप जितना खा सकते हो खाओ, घर ले जाने की परमिशन नहीं है। अब मैं आपको बता दूं, हरियाणा नॉट अलाउड एंड फॉर राजस्थान डिस्टेंस रिक्वायर्ड अबाउट 200 किलोमीटर, है ना। अब 200 किलोमीटर दूर के ही बंदे आएंगे, लोकल कैंडिडेट आर नॉट रिक्वायर्ड, है ना। लोकल कैंडिडेट मत आना, लोकल कैंडिडेट को नहीं लेते कंपनी। 10th 12th ITI ऑल ट्रेड, ITI अगर ऑल ट्रेड है, जब भी चल जाए कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। और इसमें हम देखें आपको बता दूं, कैंटीन एक टाइम का खाना और नाश्ता फ्री है, एंड बस फ्री है रेवाड़ी और बलवर दोनों में। तो मैं आपको बता दूं, सैलरी जो ग्रॉस सैलरी आपकी होगी वो 10,533 होगी, अटेंडेंस अवार्ड 1500 रुपये है, नाइट शिफ्ट आपका 50 रुपये नाइट है, और जो OT है वो भाई साहब बहुत अच्छी OT है भाई, OT है आपका, अभी तो 8 घंटे की मैं बता रहा हूँ, ठीक है, OT है 101 रुपये पर घंटे, मतलब एक घंटे काम करोगे तो आपको 101 रुपये मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, 101 रुपये, और 3.5 घंटे पर डे इसमें OT चलती है, यहाँ पे साफ साफ खुले शब्दों में लिख दिया। अगर आप 12 घंटे काम करते तो आपको 12 घंटे की जो इन हैंड सैलरी होगी, PF-SI कार्ड की जो आपको इन हैंड दिया जाएगा, वो दिया जाए 19,500, वो आपको इन हैंड दिया जाएगा। अब मैं आपको डेट एंड इंटरव्यू, 24 तारीख को आप जो है 25 तारीख, मतलब अभी तो चाहे चलता रहेगा, बट इसमें जो तारीख दिया गया है 24 तारीख से स्टार्ट है, 24 तारीख से इसमें स्टार्ट हो, 24/10/2023 इंटरव्यू टाइम सुबह 7:30 बजे आप गेट पे पहुंच जाना। पिनाकल इंटरप्राइजेज ट्रैक्टर है ना, इनका जो ये है फर्म का नाम, कंपनी का नाम पिनाकल है ना। उसके बाद कंपनी गेट नंबर 1 पर आकर फोन जरूर करें, यहाँ पे आपको शक्ति जी मिलेंगे, यहाँ पे शक्ति जी मिलेंगे। शक्ति जी का जो नंबर है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में जाके आप शक्ति जी से डायरेक्ट बात कर लेना, उनसे बता देना कि इसरार यूट्यूबर हैं, जो कि उन्होंने मुझे आपका नंबर दिया है,
मैं जॉब करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से हूँ, मैं आना चाहता हूँ, सब कुछ आप बता देना, तो वो खुद ही आपको एड्रेस डिटेल वगैरह सब भेज देंगे। इनहैंड सैलरी जैसे कि मैं आपको बता दूँ 19,500 रुपये है PFSI कार्ड के 12 घंटे की। 10th 12th वाले क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, 10th 12th एंड ITI अल्टरनेट। अब देखो मैं बता दूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेकर आना है। अभी मैं देखो आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, मार्कशीट हो गया, बैंक का पासबुक हो गया, 4 फोटोज़ हो गई, और वैक्सीनेशन अगर है तो वैक्सीनेशन आपको लेके आना, नहीं है तो फ़ोन पे पहले बोल देना सर हमारे पास वैक्सीनेशन नहीं है, तो हो जाएगा। एक चीज़ का मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख है यार, मैं क्या बताऊँ कैसे जिक्र करूँ, मुझे खुद शर्म आती है एक तरीके से। जब इन्होंने मुझे भेजा तो इन्होंने साफ शब्दों में मुझसे कहा, जो यहाँ के HR हैं उन्होंने मुझसे ये कहा कि सर मुस्लिम लड़के हम नहीं लेते। ऐसे मैं भी एक मुस्लिम हूँ, ये चीज़ें मेरे ऊपर भी डिपेंड है कि आप मुझे बताएं। मैं चाहता हूँ जातिवाद धर्म की बात आए ही ना। हमारे ऐसे ऑडियंस हैं, मैं बता दूँ 90% जो हमारी ऑडियंस है वो हिंदू भाई हैं, है ना। मुस्लिम भाई हमारे होंगे तकरीबन 20-25 या 30 मान लो % होंगे जो है कि हमारे मुस्लिम भाई हैं, क्योंकि अभी मुस्लिम जो ऑडियंस है हमारे ऊपर जुड़ी नहीं है हमारे चैनल पे। बड़ा ही रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखिए मेन टॉपिक क्या है कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मुस्लिम लड़कों को नहीं लिया जाएगा। क्या भाई मुस्लिम लड़कों के पेट नहीं होते? क्या मुस्लिम लड़के मेहनती नहीं होते? क्या पढ़े लिखे नहीं होते? अच्छे इंसान नहीं होते? जातिवाद को पीछे रखो, पहले इंसानियत को देखो, इंसानियत क्या कहता है। इस चीज़ को मुझे बहुत गुस्सा आया था, मैंने उनसे बात भी किया पर उन्होंने भी इस चीज़ को कहा कि हाँ सर हमें भी बहुत बुरा लगता है लेकिन हम क्या करें, कंपनी की कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं। तो मैंने कहा सर मैं ये प्रोजेक्ट आपका नहीं ले सकता, लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक बात बताओ, हमारे मुस्लिम भाई को नहीं ले रहे हैं लेकिन हमारे हिंदू भाई हैं जो बेचारे परेशान हैं उनको तो जॉब मिल जाएगा ना। तो मैंने फिर ये डील डन कर लिया, मैंने कहा ठीक है मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा लेकिन जो हमारे कैंडिडेट जाएंगे उनकी ज्वाइनिंग होनी चाहिए। अब बताएं अगर मैं जातिवाद करता तो मैं ही वहीं पर डन कर देता कि जहां हमारे मुस्लिम भाई को नहीं ले जा रहा है सिर्फ हिंदू भाई को लिया जा रहा है, तो वहां पे मैं वीडियो क्यों शूट करूं यार, मैं क्यों बताऊं चीज़ें, मैं क्यों ओपन करूं। तो दोस्तों आज की वीडियो मुझे बस आपसे यही कहना है कि एक नई कंपनी की रिक्वायर्ड आ चुकी है, एक नई कंपनी में वैकेंसी स्टार्ट हो चुकी है जो कि इन हैंड 12 घंटे की सैलरी 19,500 होगी PFSI काट के, ठीक है। 101 रुपये OTP आपको वहाँ पे दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात करें 10th 12th ITI ऑल ट्रेड इसमें चलने वाला। एज वाइज नॉर्मली आपको पता है 18 से 30 है ना, लास्ट 30, इससे ऊपर नहीं। अगर फ्रेशर हो तो एक्सपीरियंस हो तो भाई ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज के हमारे वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो एक लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करना, जिससे कि हमारे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इजिली मिलती रहे। चलती है नई वीडियो मिलते हैं, नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। रखिएगा अपना ख्याल, नई वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय।